प्री बोर्ड की तैयारी कर रहे हो? डेट शीट आ गई ना प्री बोर्ड की। अरे प्री बोर्ड में मैं, पता है मेरे प्री बोर्ड में कितने नंबर आए थे? मेरी तो फेल हुआ था तो दो सब्जेक्ट में प्री बोर्ड में, तो क्योंकि हम लोग प्री बोर्ड में घूमने जाया करते थे बंकर के। प्री बोर्ड की क्या इतना प्री बोर्ड का टेंशन क्यों लेना? अभी तो फैकल्टी से तुम लोग की अच्छी होगी ना रिलेशंस। सर मिड टर्म में भी नंबर नहीं आया ना सर, सर वो बोलते हैं उसी के बेस पे वो इंटरनल वाला पेरेंट्स जो का क्या तुम्हारे करें। मकसद है इन लोग उसी का पे कुछ जाएगी। व्यवहार नहीं है टीचर से, मतलब सर टीचर्स तुम्हारे का भी लेवल पे पेरेंट्स आते का क्या हैं अभी, तुम्हें रिएक्शन पता एक्सपेक्ट है करें। कि यू आर द आउट मैनेजर्स की बात परफॉर्मेंस ऑफ नहीं योर देखा। स्कूल। अबे तुम लोग को पता है यू आर द आउट परफॉर्मेंस ऑफ आउट परफॉर्मर्स ऑफ योर स्कूल। यू आर द वन हु विल गेट देम द गुड रिजल्ट। तो ऐसे तो मेरे को अभी पता था कि मेरी टीचर मेरे को चाह के भी, मतलब वो बिल्कुल मेरे से लड़ भी जाएगी ना, तब भी मेरे नंबर नहीं काटेगी। तो ऐसा कुछ फेथ तुम लोग का भी डेवलप हो गया होगा ना अब तक तो स्कूल टीचर सर से। फीमेल हो तो यस चलता है लेकिन मेंस में नहीं चलता ना। क्यों, मेन से तो अलग अपना ब्रो कोड रहता है 12th में तो। सर जो आप कह रहे हो 10th में होता था, अब नहीं होता। 10th में कहाँ होता था? 10th यस में तो उल्टा और इंसल्टिव फील होता था, होता है बिकॉज सर। बोल नहीं सकते थे नहीं टीचर्स नहीं को। नहीं 10th में होता था सर। अब टीचर्स की एज बढ़ गई है, 33 33 साल के पीजीटीज लगे हुए हैं स्कूल में। मेरे 50 50 के साल के थे भाई, हमारे तो बनते हैं हमारे में सर भी टीचर्स पचास से। पचास पचास के हैं सर, साल सारे के लोग सारे तो साल पता का है। टाइम एक्सपीरियंस वेस्ट नहीं, चलो 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 स्टार्ट 33 साल करो, का एक्सपीरियंस उम्र नहीं सर। चलो आओ लेट्स स्टार्ट। ठीक है, बहुत सिंपल सादा सा क्वेश्चन है। देखो अभी ये क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन मेंस में आया था, तो मतलब इतना तुम इसको देख के देखोगे कि वो कितना ज्यादा अज्यूम करके चलते हैं मेंस वाले कि बच्चे बहुत स्मार्ट हैं। उनको उनको लगता है कि कॉन्सेप्ट स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे से आता है। इसको ट्राई करो एंड प्लीज अंधी मत मारना कोई, है ना? मैं पोल रन कर रहा हूँ, आई रिक्वेस्ट ईच एंड एवरीवन, कोई भी अंधी मत मारना। मतलब या फिर अंधी के साथ साथ अगर पहले का भी तुम्हें आता है तो प्लीज रैंडमली मार्क मत करना, सोचना क्योंकि प्रीवियस ईयर है तो इट माइट पॉसिबल कई लोग को आता ही हो आंसर। और गूगल तो बिल्कुल मत करना, सोचो थोड़ा अभी, है ना? ठीक है, मैंने पोल लॉन्च कर दिया, आई हैव लॉन्च्ड द पोल। कह रहा है ऑन अ हॉट समर नाइट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इज स्मॉलेस्ट नियर द ग्राउंड एंड इंक्रीजेस विद हाइट फ्रॉम द ग्राउंड। व्हेन अ लाइट बीम इज डायरेक्टेड हॉरिजॉन्टली इट ट्रेवल्स, हाँ जब भी हॉरिजॉन्टली ट्रेवल कर रही है तो उसका कैसा क्या मूवमेंट है, एंड यू हैव टू कॉमेंट ऑन इट। चालू हो जाओ। ठीक है, गूगल मत करना प्लीज, कॉन्सेप्ट सोचना इवन, क्योंकि मुझे पता है इस क्वेश्चन में बच्चों को डाउट रहता है और वो डाउट तुम्हारा बिल्कुल जेन्युइन है, बट वो सिर्फ एक चीज से हट जाएगा, एक लॉजिक जो कोई भी आईआईटी का प्रोफेसर अज्यूम कर लेता है कि मेरे बच्चों को पता होगा। करो, इट्स इजी, वेरी इजी, लास्ट 20 सेकेंड गाइस। हाँ बढ़िया, सो करते रहो, पूछते रहो प्लीज। देखो मुझे नहीं पता तुम्हें कितना आ रहा है कितना नहीं आ रहा है, तो पूछते भी रहा करो अपनी चीजें, है ना? बिकॉज मैं करा तो रहा हूँ प्रॉब्लम सॉल्विंग ये अज्यूम करके कि तुमको आ रही है चीजें। हाँ वंश, डन सर। डन, सर चल सर एक समस्या है, रुक जाओ, पहले पोल एंड करते हैं अपन। रिजल्ट इज ऑन योर जनरल स्क्रीन है गाइस। अब देखो पहले, हाँ पूछो समस्या। सर। मैं कह रहा था कि सर जब मैं फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स करता हूँ ना तो ज्यादा देर तक बैठ नहीं पाता। अगर मैथ्स का करवाना हो ना तो मैं 3 3 4 4 घंटे बैठ जाता लेकिन फिजिक्स में नहीं बैठा जाता है। यार कुछ अब इसका तो उपाय कोई बताओ। सोल्यूशन नहीं है, उपाय कुछ नहीं है यार, पढ़ना तो पड़ेगा ही। या तो मैं होता तो मैं तेरे को दो लगा के पिटा पढ़ा देता, या तो पापा पर से बोल पापा मार दिया करो। पढ़ना तो पड़ेगा यार, समझ में, अभी इसका कुछ भी उपाय नहीं है। पढ़ाई कभी भी इंटरेस्टिंग जितना हो सके हम टीचर बना सकते हैं, बट आप जब भी खुद पढ़ने बैठते हो ना तो वो पढ़ाई इंटरेस्टिंग नहीं होती है। सेल्फ स्टडी में आपको थोड़ा बोर होती है वो बोरा। चलो देखो भी इधर, सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको पता होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैं थोड़ा सा बस एक्सप्लेन कर देता हूँ, बोर मत होना, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है बच्चों, जल्दी से, व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? सर रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट्स इन वन मीडियम टू द वैक्यूम। बेसिकली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो डिफाइन किया गया है, दैट इज डिफाइंड ऑन द बेसिस कि कितने रेशियो से किसी भी मीडियम में लाइट की स्पीड कम हो रही है। ठीक है, बाय व्हाट रेशियो, बाय व्हाट रेशियो द स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इज रिड्यूसिंग। ठीक है, ऐसे डिफाइन किया गया है।
इसकी वैल्यू यूजुअली तुम्हें पता है किससे बड़ी होती है? किससे लिखते हो? वन से लिखते हो, म्यू से लिखते हो तुम लोग, एन से लिखते हो? बड़ी होती है, ठीक है। और तुम्हें पता है कि अगर मैं लिख रहा हूँ रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, इसका मतलब क्या है? क्या है इसका मतलब? रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ बी अपॉन रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ ए और रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ ए अपॉन रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ बी, बताओ जल्दी से, कम ऑन। सर सेकंड वाला, सेकंड वाला नहीं, बोल के बताओ क्या है। सर बी अपॉन ए। इंसिडेंट लाइट सर ए से बी में जा रही है। मैं लिखूं क्या? म्यू बी अपॉन म्यू ए। म्यू बी अपॉन म्यू ए। म्यू ए, इज इट करेक्ट? नो सर, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ए अपॉन रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। देखो इसको मैं लैंग्वेज में, हाँ मैं एक बार लैंग्वेज में भी लिख देता हूँ। ये लिखा है मैंने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू, समझ में आया अभी क्या लिखा है? अब बताओ क्या होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए। अच्छा इस पे पोल करें क्या अपन की तुम लोग? अच्छा चैट में लिखो, चलो चैट में लिखो किसका क्या ओपिनियन है। आई वॉन्ट यू ऑल टू राइट ऑन, राइट इट ऑन चैट बॉक्स। चैट में लिखो सब लोग जल्दी जल्दी से। लिखो लिखो जल्दी जल्दी लिखो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। नहीं सर, आपने ए विद रिस्पेक्ट टू बी लिखा है। अच्छा मैंने ए विद रिस्पेक्ट टू बी लिखा है। हाँ ठीक है, मैंने ए रिस्पेक्ट टू बी लिखा है। ठीक है ठीक है, मैंने ए रिस्पेक्ट टू बी लिखा है। हाँ तो तुम्हें पता है ये क्या होना चाहिए? ये होना चाहिए म्यू ए अपॉन ए अपॉन म्यू बी। ये है गलत, ठीक है। अगर मैं किसकी बात करूं, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट अ मीडियम, देखो जिसका बता रहे हो उसका हमेशा ऊपर रखेंगे और जिसकी रिस्पेक्ट में बता रहे हो उसका नीचे रखेंगे। ये तो बाय डेफिनेशन ही है। तुम डेंसिटी स्पेसिफिक ग्रेविटी पढ़ा है तुमने, स्पेसिफिक ग्रेविटी रिलेटिव डेंसिटी का कॉन्सेप्ट। तो उसमें क्या बोलते हो, डेंसिटी ऑफ एनी मीडियम विद रिस्पेक्ट टू डेंसिटी ऑफ वाटर, अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी है तो। अगर रिलेटिव डेंसिटी की बात कर रहे हो तो डेंसिटी ऑफ अ मीडियम विद रिस्पेक्ट टू डेंसिटी ऑफ द अदर मीडियम। जिसकी रिस्पेक्ट में अपन निकाल रहे हैं यूजुअली उसको कहां रख रहे होते हैं? डिनोमिनेटर में। एंड इट्स ट्रू फॉर ईच एंड एवरीथिंग। यहां पे बस बच्चे कंफ्यूज क्यों होते हैं, बिकॉज़ जब वेलोसिटी का टर्म आता है, और अभी वेलोसिटी का आगे क्वेश्चन है तो मैं जानबूझ के अभी वो नहीं बताऊंगा तुम्हें। मैं तुमसे बोलूंगा कि तुम सोचो कि यहां पे क्या होना चाहिए वेलोसिटी के साथ, ठीक है। अच्छा बाय डेफिनेशन मैं तुम्हें ये बता दूं, जनरली किसी भी मीडियम का जब अपन रिफ्रेक्टिव इंडेक्स होता है, जैसे मैं लिख रहा हूं रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ ए या रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम वन लिख रहा हूं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम वन विद रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वैक्यूम, वैक्यूम वैक्यूम या एयर, है ना। लेट्स से वैक्यूम ही लिख देता हूं मैं, फ्री स्पेस या वैक्यूम, ठीक है। अब इसको तुम्हें सोच के बताना है इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी क्या होगा, बाद में बताना। चलो अभी पहले क्वेश्चन करते हैं, तब तक सब सोच लो, बिकॉज अभी उसका क्वेश्चन है आगे तो मैं रिवील नहीं कर रहा हूँ। हाँ तो अब इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? देखो कायदे से इसका ऑप्शन जो जेई की शीट में था वो ये था, बेंड अपवर्ड्स, आंसर डी था, ठीक है। अब तुम लोग को लग रहा होगा सर ऐसा क्यों है ना, मोस्टली बच्चों ने जैसा इफ यू गो थ्रू योर चैट पोल सेक्शन, सब पोल से गो थ्रू करो एक बार, मोस्टली लोग ने डी ही मार्क किया है। हाँ मोस्टली ने, चलो डी मार्क किया। इसमें बच्चे गलती क्या करते हैं जो एक्चुअली में सोच के करते हैं, व्हाट दे यूज टू थिंक कि बी होगा सही, उनको लगता है बी सही होगा, क्योंकि वो जेन्युइनली क्या मान के चलते हैं कि सर अगर लाइट रे कोई ऐसा हॉरिजॉन्टली जाएगी और मीडियम अगर ऐसे ऊपर 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 डेंसर होता जा रहा है तो लाइट रे पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बिकॉज वो कैसे मूव कर रही है, हॉरिजॉन्टल मूव कर रही है ना। कई बच्चे ऐसा सोचते हैं, बोलो सोचते हैं या नहीं सोचते हैं? सर मैंने तो सोचा कि वो डाउनवर्ड जाएगी क्योंकि नीचे कम है तो लाइट नीचे की तरफ जाना चाहिए। कई लोग सोचते हैं कि कुछ भी नहीं होगा, बिकॉज इसलिए क्योंकि बेटा लाइट तो तभी अपना डेविएशन शो करती है ना जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में क्या हो रही हो, जा रही हो, जा रही हो या आ रही हो, बट यहाँ पे तो अगर हॉरिजॉन्टल चल रही है तो वो एक ही मीडियम में चलती रहेगी, वो ना ऊपर जाएगी ना नीचे जाएगी। बट ये गलत है, ये यूजुअली बच्चे सोचते हैं, दिस इज एक्चुअली रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग। इसका रीजन क्या है वो समझना, व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट अ लाइट, हम जब भी लाइट की बात कर रहे हैं तो सोम को पता है कि लाइट है, वो एक कोई छोटा सा बॉल का बच्चा नहीं है जो तुमने फेंका और वो वहीं पे गिर गया, समझ रहे हो चीज? इट्स नॉट अ बुलेट इस 200-400 मीटर चल के रुक गई, वो लाइट है, वो क्या होगी इंफिनिटी तक,
चलती चली जाएगी। तो अपने को यहाँ पे सबसे बड़ा बस की पॉइंट ही यही था कि जो तुम्हारा एटमोसफेयर है उसकी लेयर्स एक्चुअली कैसे हैं लाइट के लिए, आ रही बात समझ में? फॉर द एनवायरमेंट, एटमोसफेयर की जो लेयर्स हैं उसके लिए लाइट की रे कैसी होगी हमेशा, मतलब एटमोसफेयर के लिए तो लाइट के लिए तो एटमोसफेयर कर्व है ना, बिकॉज लाइट रे तुम्हारी हमेशा कैसे चलेगी, हमेशा सीधी सीधी चलेगी या नहीं चलेगी, बोलो। यस सर। बोलते रहो बच्चों प्लीज, समझ। एटमॉस्फेयर कर्व क्यों है सर? है एटमॉस्फेयर कर्व क्यों है? अरे क्योंकि अर्थ कर्व्ड है। अच्छा ठीक है, ये कैसा क्वेश्चन था, अर्थ कर्व्ड है ना। अब यहाँ पे तुम्हारी नॉर्मल क्या हो गई, देखो ये हो गई नॉर्मल, बस यही था। वो बोल क्या रहा है कि कम हो रही है बढ़ रही है, व्हाट व्हाट द क्वेश्चन इज सेइंग, इंडेक्स ऑफ एयर इंक्रीजेस विद द हाइट, हॉट समर नाइट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द एयर इज स्मॉलेस्ट नियर द ग्राउंड एंड इंक्रीजेस विद हाइट। अच्छा ऊपर जा रहे हैं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ रहा है, मतलब एयर कैसी हो रही है, रेयरर हो रही है या डेंसर हो रही है? डेंसर हो रही है, जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतनी ज्यादा एयर डेंस हो रही है। अच्छा ऐसा क्यों हो रही है, व्हाई व्हाई इज दिस हैपनिंग, व्हाई दिस फिनोमेना ऑफ चेंज इन ऑप्टिकली डेंसर मीडियम इज चेंजिंग, क्योंकि हॉट एयर क्या होती है यूजुअली रेयरर होती है ना, नीचे वाली गर्म रहेगी, जैसा बिकॉज ग्राउंड गर्म है तुम्हारा, गर्मियों में तुम्हारा ग्राउंड रात में गर्म हो जाता है, ग्राउंड क्या हो जाता है, ग्राउंड गर्म हो जाता है दिन भर धूप से, तो रात में ग्राउंड गर्म रहता है। अभी ग्राउंड इज वेरी हॉट, सो इफ ग्राउंड इज हॉट तो नीचे वाली डेंसर है, सॉरी रेयरर है, ऊपर वाली क्या होती जा रही है, कोल्ड एयर डेंस होती जा रही है। तो देखो अभी यहाँ पे क्या होगा, तुमको पता है एयर रेयरर टू डेंसर जा रही है, कहाँ हो जाएगी, उल्टा बोला क्या मैंने, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इज स्मॉलेस्ट नियर द ग्राउंड एंड इंक्रीजेस विद हाइट फ्रॉम द ग्राउंड व्हेन द लाइट बीम डायरेक्टली, हाँ ठीक है। अब जैसे जैसे जा रही है तो ये देखो कहाँ हो जाएगी, रेयरर टू डेंसर जा रही है, किधर जा रही है, डेंसर जा रही है सर, हाँ रेयरर टू डेंसर जा रही है। तो अभी रेयरर टू डेंसर जा रही है, आई थिंक अपन ने ऑप्शन गलत मार्क कर दिया, देख लेते हैं। तो रेयर टू डेंसर जा रही है, तो रेयर टू डेंसर में देखो क्या होगा, इधर किधर डेविएट होनी थी, टुवर्ड्स नॉर्मल, टुवर्ड्स नॉर्मल, हाँ सही मार्क किया, मतलब कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर यहाँ पे एक नॉर्मल बन जाएगा, फिर यहाँ पे और डेंसर में जाएगी, तो फिर किधर और मेल्ट और हो जाएगी डेविएट, टुवर्ड्स नॉर्मल, टुवर्ड्स नॉर्मल। सो ऑल इन ऑल देख रहे हो टुवर्ड्स किधर हो रही है, अपवर्ड है ना, इट सीम्स करेक्ट ऑप्शन इज डी ओनली, जो बोला है ना, टुवर्ड्स अपवर्ड। आई होप सबको कॉन्सेप्ट क्लियर है। यस सर। अब yes, तुम लोग के साथ पता नहीं क्या, बट यूजुअली ये क्वेश्चन जब भी मैं बच्चों को कराता हूँ तो उनका मोस्टली सबसे बड़ा डाउट यही होता है कि सर, क्योंकि उनको वो ऐसा ही अज्यूम करके चलते हैं कि एटमॉस्फेयर की लेयर तो कैसी है, सीधी सीधी है और लाइट ऐसे सीधी सीधी निकल रही है, तो सर कुछ भी डेविएशन नहीं होना चाहिए, इवन बच्चे इस पे आर्ग्यूमेंट भी करते हैं। सो ऑल इन ऑल तुमको यही समझना है, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट अ सिंपल मोशन, लीनियर मोशन, वी आर टॉकिंग अबाउट अ लाइट, लाइट कैन गो टू इन अ स्ट्रेट पाथ टिल इन्फिनिटी, मतलब वो तो सीधे सीधे जाएगी और वो तो काफी ज्यादा स्पैन पे चल सकती है। तो लाइट अगर सीधे सीधे जा रही होगी तो कहीं ना कहीं लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर से इंटरेक्ट करने वाली है, ऑब्लिक होने वाला है इंटरेक्शन। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन देन, ये क्वेश्चन करो, क्वेश्चन नंबर टू, क्वेश्चन नंबर टू ऑन योर स्क्रीन, रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन द सर्फेस ऑफ सेपरेशन ऑफ अ मीडियम एट एन एंगल 45, सिंपल सिंपल है, बहुत ईजी ईजी है, बहुत स्कोरिंग चैप्टर है और रिफ्रैक्शन से क्वेश्चन आते हैं, यू विल नोटिस कि पूरे रिफ्लेक्शन से जितने नहीं कराए होंगे मैंने ना उतने इससे आ जाएंगे। लॉन्चिंग द पोल, पोल इज ऑन योर स्क्रीन गाइस, कह रहा है कि लाइट रे है इंसिडेंट कर रही है ऑन अ सर्फेस ऑफ सेपरेशन ऑफ अ मीडियम एट एन एंगल 45 डिग्रीज एंड इज रिफ्रैक्टेड इन द मीडियम एट एन एंगल 30 डिग्रीज, व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम। वेरी गुड क्वेश्चन, देखो मैं जो लास्ट तुमसे पूछ रहा था ना, बस उसका कॉन्सेप्ट यहीं से है, कर लो जल्दी सिंसियरली, कुछ पूछना है तो पूछते रहना प्लीज। पूछते रहा करो यार, मैं काम कर रहा हूं, मैं तुम्हारे ग्रुप पे तब तक वो भेज देता हूँ, लास्ट 55 सेकंड्स है ना, ग्रुप पे भेज दूं मैं, चलेगा, आंसर की चाहिए ना तुमको, कल के टेस्ट की, हाँ कल के टेस्ट की, हाँ कल के नहीं परसों है टेस्ट, कल का है, परसों कल टेस्ट को है ना, कौन सा टेस्ट है सर,
अच्छा यार दिलाया यार, मैं गलती से अभी पता नहीं तू गड़बड़ कर देता, मैं तुमको जान मतलब गलती से वो वाली भेज देता कल वाली, मतलब वेडनेसडे वाली टेस्ट की। सर भेज देते तो फिर हम कर लेते उससे। देखो यही था ना तुम्हारा क्वेश्चन पेपर। अच्छा अभी पहले ये कर लो फिर देखना, अभी मत देखना, एंड चैट पे लिखते रहना जिस इसका हो गया प्लीज। चलो आई एम होपिंग इज इट डन, आई एम एंडिंग द पोल नाउ। एंडिंग द पोल शोइंग यू द रिजल्ट। बहुत बढ़िया, मोस्ट ऑफ यू हैव मार्क्ड इट करेक्टली आई फील। चलो एक बार मैं खुद सॉल्व करके देख लेता हूँ, कई लोग को ये चीज याद होगी, बट देखो याद रखना जैसे तुमने ये चीज डिफाइन करी, मैं फिर से अभी जो तुमसे ऊपर पूछा था ना वही चीज अभी इधर बोलूंगा, और जितनों को भी इसमें याद करने में इशू होता है, I'll tell you one trick. It's not a trick actually, I'll tell you the simple law of physics. तो जैसे तुमको मैंने बोला कि म्यू को अपन ने कैसे डिफाइन किया हुआ है, किसी भी मीडियम ए के लिए स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। देख पा रहे हो ये चीज, दिस इज बाय डेफिनेशन, व्हाट दिस इज, दिस इज बाय डेफिनेशन, ये उसकी डेफिनेशन से आता है नहीं आता है। यस सर। ठीक है, तो अगर जब भी तुम बोलोगे इन प्लेस ऑफ दिस इफ यू आर सेइंग दैट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, तो तुम्हें पता है इसका मतलब क्या होगा, इट मींस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, इसका मतलब क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए को तुम क्या बोलोगे, सी नॉट अपॉन सी ऑफ ए, इसको क्या बोलोगे, सी नॉट अपॉन सी ऑफ बी। तो इफ यू कैंसिल इट आउट यहाँ पे क्या आता है, सी बी अपॉन सी ए, यानी रेसिप्रोकल रिलेशन रहता है। इसमें बच्चे बहुत गड़बड़ करते हैं, बहुत ज्यादा, लाइक बहुत ही ज्यादा गड़बड़ करते हैं। ठीक है, याद रखना कि अगर म्यू ए अपॉन म्यू बी है, यानी इंडेक्स ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी है, तो इसका मतलब क्या है कि बी की स्पीड ऊपर आएगी और ए की स्पीड नीचे आएगी। ठीक है, एंड अगर एग्जाम में फर्स्ट जाना, आई विल टेल यू वन थंब रूल, कभी भी एग्जाम में फर्स्ट जाओ तो तुम कैसे चेक करोगे पता है, बहुत सादा सिंपल सा, जो तुम्हारी रॉ फिजिक्स बोलती है बस उसको फॉलो करो। जैसे तुम ये क्वेश्चन पढ़ोगे तो तुमको क्या दिख रहा है कि वो इंसिडेंट कर रही है 45 पे और रिफ्रैक्ट कर रही है 30 डिग्री पे, मतलब कैसा मोशन है, डेंसर टू रेयरर या रेयरर टू डेंसर, रेयरर टू डेंसर, 110% रेयरर टू डेंसर है। तो तुम अगर लिखोगे If you are writing like this, देखो मैं फिर से लिखने का try करता हूँ, तो तुम लिखोगे पहले तो मैं basic formula बताता हूँ, जैसे तुम लिखोगे mu1 sin 45, यहाँ से light ray आई, Snell's law, गई कहाँ mu2 sin 30, बोलो क्या ये सही है, Snell's law? Yes sir. ऐसे किया होगा सब लोग ने, यहाँ से तुम्हें मिलेगा किसका relation, तुम sin 45 upon sin 30 का relation निकालोगे, तो तुम्हें क्या पता चलेगा, mu2 upon mu1। अच्छा मैंने जो पर्टिकुलर केस अज्यूम किया है उस केस में, इफ यू ऑल नोटिस, ये मेरा म्यू टू है और ये मेरा क्या है, ऊपर वाला म्यू वन है, मतलब लाइट का जो मोशन है इट इज समथिंग लाइक दिस, कुछ ऐसा है, बोलो यस और नो, है या नहीं है? Yes, sir. इस रेशियो को जब तुम देख रहे हो तो तुम्हें समझ में अपने आप ही आ रहा है साइन 40, ये रेशियो 1 से बड़ा है या 1 से छोटा, बड़ा है सर, 1 से बड़ा है, तो म्यू टू अपॉन म्यू वन भी लॉजिकली क्या होना चाहिए, 1 से बड़ा, बड़ा। तो जब तुम वेलोसिटी के टर्म को इंट्रोड्यूस करोगे तो वो भी क्या होना चाहिए, 1 से बड़ा ही होना चाहिए, बड़ा। तो वेलोसिटी किसमें ज्यादा होगी, म्यू वन में या म्यू टू में, तुम्हारा लॉजिक क्या बोलता है, डेंसर में ज्यादा तेज चलती है लाइट या रेयर मीडियम में, रेयर मीडियम, यानी तुम नो डाउट यहाँ पे क्या लिखोगे, सी वन अपॉन सी टू, है ना। पेपर में कभी फॉर्मुलेज याद नहीं हो तो ऐसे लॉजिक लगाना कि कुछ तो पता होगा, साइन 45 अपॉन साइन 30 लिख रहा हूं अगर मैं, सो आई एम प्रीटी श्योर उसका न्यूमरेटर बड़ा है, तो मेरी वेलोसिटी इधर c1 आनी चाहिए, बिकॉज c1 इसमें ज्यादा होगी और इसमें कम होगी। इज इट क्लियर टू यू ऑल? यस सर। द फॉर्मूला है, मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूं इसको, आई एम नॉट सॉल्विंग, इज इट ओके विद यू ऑल? आंसर क्या आएगा, आई डोंट रिकॉल, 1.96 है या 2122 है, सॉरी 2122 है सर, 2.2 स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम
2.12 × 10^8 m/s. ठीक है ठीक है, मैं एक बार निकाल ही लूं क्या, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 30 की वैल्यू 1/2, तो सर ये √2 आ जाएगा, √2 × 10^8. 3 से किया, 2.91 से किया, किससे किया है? 3 से किया। ठीक है यार, बढ़िया। फिर तो मैं एक बार कैलसी में चेक कर लेता हूँ, डिवाइड बाय √2, सर √2 होता है 1.41, तो 2 ही आ रहा है वहां पे। हाँ ठीक है, यही आ रहा है ना? ठीक है, हाँ मैंने 2.9 चेक किया, यही आ रहा है। ठीक है, आई होप सबको क्लियर है डाउट, मतलब वैसे तुम लोग को था नहीं ज्यादा लोग को, ठीक है ना। शैल वी मूव अहेड, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगेन इससे बाहर कुछ पॉसिबल नहीं है, ठीक है, यही है जो आएगा रिफ्रैक्शन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन, ये करो। देखो वेक्टर फॉर्म में भी आ सकता है, एक वेक्टर फॉर्म का देख लो, पूरी पूरी मैथमेटिक्स लगनी है। एंगल सर ने पढ़ा दिया, अभी नहीं पढ़ा है वेक्टर 3D, पढ़ लिया, टेस्ट भी है इसका परसों। देखो कुछ पढ़ना नहीं पढ़ना, मैं पहले ऑप्टिक्स दे रहा था, फिर मैंने ऑप्टिक्स दी नहीं है टेस्ट में, मैंने संडे वाले टेस्ट में दूंगा अच्छे से पूरी करके। सो देखो कीप इट इन माइंड, वेक्टर 3D में ना क्या चीज मैं बता रहा हूँ अच्छे से पढ़ना, जो फिजिक्स में भी काम आएगी। एंगल बिटवीन टू प्लेन्स निकालना, ठीक है, एंगल बिटवीन नॉर्मल निकालना, किसी प्लेन की नॉर्मल निकालना, ठीक है, ये सब अच्छे से सीख लेना। डायरेक्शन रेशियोज, डायरेक्शन कोसाइंस, ये सब चीजें सर जब पढ़ाए तो बहुत सिंसियरली देखना, बिकॉज फिजिक्स में इसका दबा के यूज है ना, कि एक लाइन और एक प्लेन के बीच में एंगल कैसे निकालते हैं। ठीक है, हमको जो एंगल मिलता है वो मिलता है लाइन और उसके बीच में, परपेंडिकुलर के बीच में उसकी, फिर लाइन और परपेंडिकुलर के बीच में निकालते हैं, फिर उसको 90 माइनस करते हैं, फिर आता है प्लेन और लाइन के बीच का एंगल। ठीक है, तो ये सब चीजें पढ़ना सर पढ़ाए तो सिंसियरली कर लो इसको, कर लो। सर पोल लॉन्च नहीं किया आपने इसका? स्पेल पोल, सर पोल नहीं लॉन्च किया सर ने। वैसे तो तुम लोगों को फॉर्मूला याद हो गई इसका, है ना, सादा सिंपल सा फॉर्मूला है इसका। आई एम राइटिंग द फॉर्मूला फॉर योर रेफरेंस। cos theta इक्वल्स टू क्या होता है, दो a डॉट b अपॉन मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी, है ना, ऐसा कुछ फॉर्मूला तो पढ़ी है तुम सबने। चलो पोल एंड करूं क्या मैं, ले लो, अच्छा 2 मिनट और 1 मिनट और ले लो, चलो जल्दी करो, बट अभी क्योंकि कई लोग ने मार्क नहीं किया, दैट्स व्हाई आई एम वेटिंग। चलो आई एम एंडिंग द पोल, ठीक है। यूजुअली देखो ये क्वेश्चन इजी है बिकॉज इसमें तुम्हें प्लेन से कोई मतलब ही नहीं है। किस किस को समझ में आ गया है, रेज योर हैंड। ओके, मेनी ऑफ यू हैव मार्क्ड करेक्टली, आई विल शो यू द पोल रिजल्ट, ठीक है, मेनी ऑफ यू हैव मार्क्ड करेक्टली, दैट्स वेरी गुड, बट अगेन द रिजल्ट इज नॉट गोइंग गुड, मतलब आउट ऑफ 30-34 स्टूडेंट्स ओनली 10-14 आर मार्किंग द पोल, सो आई रिक्वेस्ट ईच एंड एवरीवन टू मार्क पोल। ओके, पोल करो, देखो अभी इधर क्या बोल रहा है क्वेश्चन, जल्दी से सिंसियरली समझ लेना। तो क्वेश्चन इज सिंपली सेइंग कि एक ZX प्लेन है, ZX प्लेन में क्या है, बाउंड्री दी गई है ट्रांसपेरेंट मीडिया की, कोई नहीं अंचिति बट जल्दी जल्दी किया करो। देखो ट्रांसपेरेंट मीडिया की दी गई है ZX में, तो एक काम करते हैं अपन ZX प्लेन ये ले लेते हैं ना, ये ले लेते हैं, दिस इज ZX प्लेन, सो दिस इज माई Z और दिस इज माई X, दिस इज माई ZX प्लेन, सो विद द बाउंड्री बिटवीन द टू ट्रांसपेरेंट मीडियम, मीडियम वन Z greater than 0 has a refractive index √2, अच्छा Z ऊपर लेता हूँ तो फिर मैं ध्यान समझ में आएगा, Z ऊपर ले लेता हूँ, ठीक है, ठीक है, ये ZX हो गया। अब ZX plane में तुमसे बोल रहा है कि यहाँ पे Z plane से कोई भी light ray जो है, जो भी तुम्हारी आ रही है, ठीक है, Z minus Z से आ रही है
और फिर कहाँ जा रही है, जेड वन से आ रही है नेगेटिव, हाँ पॉजिटिव से आ रही है नेगेटिव में जा रही है, ठीक है ऐसे कहीं नेगेटिव में जा रही है, और उसने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ, जैसे इसका बोला उसने रूट टू है, इसका बोला कितना है रूट थ्री है, आ रहा है समझ में? नहीं यस सर, है ना, दिस इज द नॉर्मल, रूट टू से रूट थ्री में जा रही है, तो मैंने कैसे दबा दिए टूवर्ड्स द नॉर्मल, उसको दबा दिया है। फिर अरे वन वेक्टर गिवन बाय, ठीक है ये वेक्टर किस वेक्टर से डिनोट कर रहा है वो, इसको सिक्स रूट थ्री आई कैप प्लस एट रूट थ्री जे कैप और माइनस टेन के कैप, ठीक है ओके। नाउ व्हाट यू वांट टू नो, तुम्हें वो पूछ रहा है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन पता होने के लिए तुम्हें क्या पता होना चाहिए, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस पता होना चाहिए। एंगल ऑफ इंसिडेंस कैसे पता चलेगा, तो तुम्हें इन चीज से पता चलेगा, यहाँ पे तुम्हारे पास दो चीजें हैं, एक तो ये और एक तो नॉर्मल, दिस इज द एंगल बिटवीन द नॉर्मल, सॉरी द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज नथिंग बट द एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड द इंसिडेंट रे, तो तुम्हें दो वेक्टर के बीच में एंगल निकालना तो बहुत अच्छे से आता है ना, ये वेक्टर तुम्हें पता है जे कैप की तरफ नॉर्मल वेक्टर है, इसका क्या होता है वेक्टर फॉर्म में, के कैप, बोलो यस और नो, सो एक वेक्टर है के कैप, दूसरा वेक्टर है सिक्स रूट थ्री आई कैप प्लस एट रूट थ्री जे कैप माइनस टेन के कैप। अब तो बच्चा क्वेश्चन है, बिल्कुल कर लेंगे सर हम, कैसे कर लेंगे सर, दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेंगे, डॉट प्रोडक्ट सर हमको लेना आता है, के का टर्म जाएगा तो कितना आ जाएगा माइनस टेन बचेगा खाली, यस और नो बोलो, यस सर। देन मोड ऑफ ए, मोड ऑफ बी तो वन ही है, यूनिट वेक्टर है वन है, ए का मोड कितना होगा सिक्स थर्टी सिक्स, देख लो ध्यान से जल्दी से जिसको भी नहीं आया, थर्टी सिक्स इंटू थ्री प्लस सिक्सटी फोर इंटू थ्री प्लस हंड्रेड, बोलो यस और नो, यस सर, यस सर, निकालना है मुझे, नाइनटी से कम ही रहेगा तो माइनस प्लस का कोई मतलब ही नहीं, झंझट ही नहीं होता है। फिर इधर देखो थ्री कॉमन आया, थर्टी सिक्स प्लस सिक्सटी फोर हंड्रेड हुआ, प्लस हंड्रेड हुआ, हंड्रेड कॉमन आके बाहर गया टेन हुआ, ये थ्री प्लस फोर टू हुआ, ये टेन हुआ, टेन से टेन हटा वन बाय टू हुआ, वन बाय टू तुम्हारा क्या आ गया है थीटा, तो वन बाय टू थीटा, थीटा कितना आ गया कॉस इनवर्स, वन बाय टू कब होता है सिक्सटी डिग्री, बोलो इज इट क्लियर यस और नो, यस सर। अब ये थीटा क्या आया है, एंगल ऑफ इंसिडेंट, इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन व्हाट यू विल डू, साइन 60 इनटू रूट टू इक्वल्स टू क्या हो जाएगा रूट थ्री साइन आर, जस्ट अब तो इजी हो गया, कितना हो गया रूट थ्री बाय टू, रूट टू डिवाइड बाय रूट थ्री कर लोगे, अब आर कितना आ गया है ना, हाँ इजी क्वेश्चन था, इजी आते हैं, देखो ये सब इजी आते हैं, रिफ्रैक्शन इज नॉट दैट एट ऑल टफ इफ यू नो द कॉन्सेप्ट। Shall we move on to the next question? Are you ready? Sir. Bachcha. इसमें xy plane भी the boundary होगी नहीं? तो sir yx plane होगा ना? हाँ plane boundary जो होगा वो yx plane का, मतलब जो medium रखा है वो इस plane में होगा। ये medium होगा। इसमें confuse हो रखा था। अच्छा उन्हें zx दिया हुआ है क्या? Zx plane भी the boundary between two transparent medium. Medium one z greater than zero. हाँ ठीक है। No need to get confused. आगे बढ़े, चलो क्वेश्चन नंबर फोर, आई लॉन्च द पोल, क्या कह रहा है, अच्छा ये तो सेम ही है, सेम हाँ ये रहा क्वेश्चन नंबर फोर, चलो Light is incident from a medium into air, two possible, बहुत easy है, तो यार बहुत easy है, है ना, incident ray बोला है उसने, बोला है दो पॉसिबिलिटी हैं उसके पास इंसिडेंस करने की, 20 और 40, ठीक है, और उसने क्या दिया हुआ है, ओके लाइट ट्रेवल्स 3 सेंटीमीटर इन 0.2 नैनो सेकंड्स, फालतू घुमा दिया क्वेश्चन को, इस
इससे अच्छा थ्योरी क्वेश्चंस भी अच्छे आते हैं, ठीक है, तो थ्योरी क्वेश्चंस भी पढ़ने लेना, ऐसा मत करना कि रिफ्रैक्शन की थ्योरी छोड़ जाओ। लास्ट 50 सेकंड, आई थिंक सबने मार्क कर दिया होगा। तुम लोग कौन सा पोल मार्क कर रहे हो, फोर्थ वाला कोई मार्क ही नहीं किया किसी ने अब तक यार। सर पोल वाला विजिबल नहीं हो रहा, सर विजिबल नहीं है, अब हो गया, हुआ यस सर, हो गया, भी नहीं हो रहा क्या, यस सर हो गया, कर लो जल्दी जल्दी कर लो देन। और जिनके अच्छे जा रहे हैं ना टेस्ट, वो अभी ट्राई करना कि नेक्स्ट टेस्ट में तुम्हारा इम्प्रूवमेंट ही हो, है ना, अपने ऊपर इतना ईगो रख के बैठना कि लास्ट टाइम से तो अच्छा ही लाना है मुझे, ठीक है ना। कूल कूल आकाश, देव भाई कर रहा है ना, एंड कर दूं मैं पोल, कर दिया सबने मार्क, नो सर, कर लो, अच्छा करो बी क्विक, 17 नोट्स, चलो एक मिनट और ले लो, वैसे है नहीं ये है तो 2 मिनट वाला क्वेश्चन ही। मुस्कान समझ में नहीं आया बच्चा, कुछ नहीं है, वो क्या बोल रहा है देख मैं बताता हूँ, वो बोल रहा है कि लाइट क्या है, इंसिडेंट कर रही है, ठीक है, फ्रॉम अ मीडियम इनटू एयर, तो लाइट एक मीडियम से, ये एक मीडियम है और उस मीडियम से एयर पे इंसिडेंट कर रही है। अब लाइट के पास दो ऑप्शन है, लाइट हैज टू ऑप्शन, या तो 20 डिग्री से इंसिडेंट करे या वो 30 डिग्री 40 डिग्री से इंसिडेंट करे, ये लाइट है, ठीक है, ये। अब लाइट के पास दो ऑप्शन है, वो या तो 30 से एंगल से एंटर कर सकती है या वो 20 से या 40 से, सॉरी, या तो वो 20 से एंटर करेगी या 40 से एंटर करेगी, ये तुम्हें पता है डेंसर टू रेयर जा रही है अभी फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगी। चलो मैं एंड कर रहा हूँ पोल, देख लो मैं बताई देता हूँ, तब बता रहा हूँ, लेट्स सी। अरे बाबा काफी कंफ्यूजन था इस पे, तो रिजल्ट देखो सब लोग, 7-6-7 दैट्स गुड, 7-6-7 क्या 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 मार्क किया जरा एक बार चैट में बताओ सब लोग, एवरीवन, सी मानसी, सी तो बिल्कुल ही नहीं है, देख इधर, चलो देखो 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 सुनो, अब क्वेश्चन में जब तुम ऑप्शंस पढ़ रहे हो तो तुम्हें लग रहा है कि हाँ वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की कुछ तो बात कर रहा है, तो सबसे पहले तो अपन यहां पे क्या निकालने का ट्राई करते हैं, क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल होने के लिए तुमको पता है सबसे बेसिक चीज क्या है, क्या है, अरे यार बोला करो, रिफ्लेक्टेड एंगल नॉर्मल के परपेंडिकुलर होता है, देखो ये देखो ज्यादा पढ़े लिखे अच्छे, रिफ्रैक्टेड एंगल नॉर्मल के परपेंडिकुलर हो जाए, ठीक है 90 डिग्री हो जाए ना सोम, सो जैसा सोम ने बोला इट्स एक्चुअली करेक्ट। अब तुम्हें ये निकालना है कि क्रिटिकल एंगल कितना होगा, तो क्रिटिकल एंगल निकालने के लिए तुम्हें पता है कि सर इफ आई एम राइटिंग, तो मैं फिर से यहाँ पे लिख रहा हूँ म्यू वन साइन आई इक्वल्स टू म्यू टू साइन आर, मुझे ये लगेगा, लगेगा या नहीं लगेगा बोलो, और इन ऑर्डर टू कैलकुलेट दिस आई, तो मुझे म्यू टू अपॉन म्यू वन पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए बोलो, यस और नो, यस सर, अभी म्यू टू अपॉन म्यू वन पता होना चाहिए, बट म्यू टू अपॉन म्यू वन में ये लोचा है कि देयर इज नो वे दे हैव गिवन अस अ हिंट टू अबाउट म्यू एंड म्यू वन म्यू टू, बट व्हाट दे हैव गिवन, दे हैव गिवन द हिंट ऑफ, हां दे हैव गिवन द हिंट ऑफ स्पीड, तो अपन स्पीड से क्या लिख सकते हैं, c1 अपॉन c2, c1 क्या है इस वाले मीडियम में लाइट की स्पीड, ये वाले गंदे वाले मीडियम में, तो ऑब्वियसली ये वैल्यू क्या होगी, कुछ कम होगी, यस c1 की वैल्यू कम होगी, Because obviously तुम्हें पता है I की वैल्यू R से कम होगी, R तो 90 है मैक्सिमम है, तो ऊपर वाली वैल्यू कम होगी, तो C1 अगर कम होगा तो C1 तुम्हें ये उनने दिया है कितना दिया है, स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, 3 × 10⁻²⁻ अपॉन 0.2 × 10⁻⁹ नैनो सेकेंड, दिस इज सेंटीमीटर, और C2 तुम्हें पता है कितना होता है, 3 × 10⁸ देखो इधर जल्दी, ये हो गया कितना, एक इधर से हटा तो ये हो गया 10⁻²⁸, तो ये तो क्या आ गया 3/2 × 10⁻⁸, सॉरी नॉट माइनस एट प्लस एट, और नीचे में 3 × 10⁸, यस और नो, सो
तुम्हें पता चल गया साइन आई कितना आ रहा है, वन बाय टू आई कितना आ रहा है, व्हाट इज द क्रिटिकल एंगल, आईसी, आईसी है ना, वी शुड कॉल इट आईसी, क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल कितना आ रहा है, 30, इतना धीरे और से बोलो ना, साइन 30 तो सबको पता है, 1 बाय 2 30 आ रहा है। अब उसके पास लाइट के पास दो ऑप्शन है, या तो वो 20 से जाए या 40 से जाए, किस केस में उसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, 40 में क्रिटिकल एंगल से, क्रिटिकल एंगल इज द लिमिटिंग केस, क्रिटिकल एंगल पे टीआईआर होना चालू होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इनिशिएशन पॉइंट है, दैट इज एन इनिशिएशन पॉइंट फॉर टीआईआर, तो उससे बड़ा तो कोई भी एंगल होगा उस पर क्या हो जाएगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो यू ऑल आर प्रीटी मच श्योर, सबको पूरा पूरा मस्त पता है कि 40 पे क्या होने वाला है, टोटल इंटरनल। हेलो सर, कुछ करवाया सर आपने अभी? हेलो नहीं नहीं, तब से बैठे हम लोग, मूवी चला रखी थी मैंने प्राइम पे। अरे नहीं मतलब कितने क्वेश्चन हुए, एक ही हुआ क्या? हाँ ठीक है, क्लियर है सबको? So, क्या होना चाहिए यहाँ पे, ऑप्शन बी, वेरी वेल सर। सर नीचे जो आपने सी टू निकाली है, हाँ हाँ, वो सर जो मतलब 2 सेकंड्स में इतना सेंटीमीटर है, और आप नीचे सर दोबारा से स्पीड ऑफ लाइट कर, अच्छा ऊपर मल्टीप्लाई कर रखा है, ठीक है सर, माइनस 2 लग रहा था कि आपने ऊपर 8 लिख रखा है, अच्छा नहीं नहीं देख ले, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडियो सब करना, आप सोना मत, अनास आर्यन सब करेंगे, ओके एक दूसरे को अच्छा कंपटीशन दो, ओके चलो लेट्स स्टार्ट अगेन। अब तो ये देखो अभी कराया है मैंने, देखो तुम्हें बेसिक रिफ्रैक्शन पे क्वेश्चन करा दिए, टोटल इंटरनल पे करा दिए, इससे ज्यादा और क्या पूछेगा यार, उसके पास भी ऑप्शन नहीं है, तुम्हारा सिलेबस बहुत लिमिटेड है। सेम इज विथ केमिस्ट्री एंड मैथ्स, मैथ्स तो देखो अगर मैथ्स पे तुम्हारा अच्छा होल्ड है ना तो मैथ्स तो बच्ची चीज है, एक्चुअली में बहुत बहुत दम से मैथ्स नंबर दे जाती है, मैथ्स मतलब ऐसा मान के जाना कि 4 क्वेश्चन हटा दो, 4 क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो किसी से नहीं बन रहे होंगे, बाकी सब ऐसे होंगे जो सबसे बन रहे होंगे, और केमिस्ट्री में तो पीवीआईक्यू भी तुमने कर लिए ना अगर बहुत बार तो केमिस्ट्री तो ले जाओगे, मेन है बस फिजिक्स, फिजिक्स में डामाडोल हो जाती है थोड़ी थोड़ी, बट वो भी कर लोगे तुम लोग, इतना सही जा रहा है रिजल्ट तुम लोग का, इट्स गोइंग प्रीटी गुड, बट थोड़ा सा रिवीजन करो दबा के, है ना, और अभी मैं वेव ऑप्टिक्स चालू करूंगा उसमें, जैसे मैंने एसी चालू कर दिया था, मैंने एसी की जिस जिसने भी क्लास नहीं ली थी ना, एक बार एसी अगर तुम्हें लग रहा है वीक है तो तुम देख लेना, रिकॉर्डिंग अपलोड है, मैं वेव्स की भी अब चालू करूंगा क्लास, तो वेव्स देख लेना, उसके वजह से मैं रोटेशन कर रहा था बट बच्चे वेव्स बोल रहे हैं तो मैं पहले वेव्स कर लेता हूं, और तुम लोग को कोई चैप्टर पढ़ना हो तो बता देना फिर मैं वही कराऊंगा, रिकॉर्डिंग तुम लोग कभी भी टाइम लगे तो देख लेना। सर इसमें बताना क्या है? इसमें ये बताना है यार, इसके ऑप्शन तुमको पता नहीं है, ए ऑप्शन स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, स्टेटमेंट 2 करेक्ट है, ठीक है, बी ऑप्शन स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, स्टेटमेंट नहीं, इसमें अच्छा 3 रहते ना, ये भी करेक्ट, इनका एक्सप्लेनेशन भी करेक्ट, ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन रॉन्ग, सी क्या बोलता है, ये करेक्ट ये रॉन्ग, डी बोलता है पहली गलत दूसरी सही, ठीक है ये बताना है इसमें, ये ऑप्शन कह रहा है कि स्टेटमेंट 1 भी सही है, 2 भी सही है, स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट बी कह रहा है कि स्टेटमेंट 1 सही है, दूसरी सही है, बट दूसरी उसका एक्सप्लेनेशन नहीं है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, एंड थर्ड इज स्टेटमेंट 1 सही है, स्टेटमेंट 2 गलत है, स्टेटमेंट 2 गलत है, स्टेटमेंट 1 गलत है, स्टेटमेंट 2 सही है, अभी कर लिया सबने, इजी है तो काफी इजी क्वेश्चन, 8 वोट 10 वोट तुम लोग कर क्या रहे हो यार, देयर आर मोर देन 30 स्टूडेंट इन माय क्लास, आकाश हो गया, कीप ऑन राइटिंग इन द चैट बॉक्स इफ यू आर डन, पूरा एक घंटा बुलवाते हो तुम लोग मेरे से नॉन स्टॉप, आर्यन अमित जल्दी मार्क कर, अनास अंजू सीता सॉरी अंकित अंकुश बी क्विक अपना डन, देव हो गया भाई, हरिओम हिमानी जय कल्पना कशिश कृष्णा मानसवी बेटा कर लिया? यस सर अब तो हो गया, कर ले ओके, मुस्कान निकिता पृथ्वी प्रवेद प्रवेद डन पृथ्वी
रिचा, साक्षी, बी क्विक, सौरभ, स्नेहा, सोम, सुमित, सुप्रिया, तरुणा, तृप्ति, वंश. चलो आई एम एंडिंग द पोल नाउ. इट्स हेल अ लॉट ऑफ टाइम नाउ. पूछो कौन है ये. 21 वोट आए इतना बोलने के बाद भी. आई गॉट 20-23 वोट. देखो ये कितना इजी क्वेश्चन है, बहुत बच्चा क्वेश्चन है, कुछ करने नहीं इसमें. तो कह रहा है सोमराय गलत आंसर बता रहा है सबको. सोमराय गलत आंसर बता रहा है सबको. हाँ जब चैट में आंसर लिखा है वो भी गलत लिखा है, फिर हम वही लिख देते. ये सोमराव खेल रहा है. सोम सही है. सोम ऐसे किया कर भाई. देखो द रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज रूट 6. डायमंड का उसने रिफ्रेक्टिव इंडेक्स दे रखा है, फिर लिक्विड का दे रखा है रूट 3. लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम डायमंड टू द लिक्विड, इट विल बी टोटली रिफ्लेक्टेड व्हेन द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 30 डिग्री. पहले तो निकाल लो कि भैया एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा. जस्ट नाउ आई हैव टोल्ड यू. तो एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए तुम्हें क्या लिखना पड़ता है. राइट रे कहां से लाइट ट्रेवल कर रही है, ऑब्वियसली फ्रॉम डेंसर टू रेयरर कर रही है. तो तुम इसको क्या लिखोगे, रूट 3 बाय रूट 6. अब मैंने डायरेक्ट ऐसे कैसे लिख लिया, क्योंकि मुझे पता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का लिमिटिंग केस है. ये वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1 से छोटी. अब 1 से छोटी तभी होगी जब मैं रूट 6 3 अपॉन रूट 6 लिखूंगा. भले ही मेरे को, मतलब मैं बता रहा हूँ, मेरे को फॉर्मुला नहीं भी आता तो मैं ऐसे अप्रोच कर लूंगा, क्योंकि सी तो सबसे बड़ा है, आर तो सबसे बड़ा है, 90 डिग्री है. तो ऐसे अप्रोच कर लो. ये वैल्यू कितनी होगी, 1 बाय रूट 2. आई की वैल्यू कितनी आ गई, 45. खत्म. चार नंबर मिल गए तुमको, दो सेकंड नहीं लगे. 30 कह रहा है, हो नहीं सकता 30 पे. 45 इज द लिमिटिंग केस. वी आर प्रीटी श्योर 45 से बड़ा ही होगा, तो ही होगा. टी आर पहला तो गलत है, दूसरा बिल्कुल सही. डी इज द करेक्ट ऑप्शन. ठीक है, आई होप सबने कर लिया होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे. मैं कई बार बच्चों को बोला हूँ, पता तुम लोग अच्छे से रिजल्ट लाओ, अपन मिलेंगे, मस्त पार्टी करेंगे, पता अवंती पे, सेंटर पे. आपका सेंटर कहाँ सर वैसे? अरे यार कहीं भी कर लेंगे. डॉन बॉस को आ जाना, सुखदेव विहार आ जाना, किसी रेस्टोरेंट में कर लेंगे यार. तुम लोग रिजल्ट तो लाओ अच्छा. मतलब हम ब्राइब नहीं दे रहे हैं, बट अच्छा लगेगा ना. अभी एक बार तो मिलेंगे तुम लोग से. ऐसा तो है नहीं कि पढ़ाया और छोड़ दिया, फिर तुम अपने काम से निकल गए, भाड़ में जाओ सर, भाड़ में जाओ, बच्चों नए बच्चे पढ़ाएंगे. दिस वोंट बी लाइक इट. सर आप कहते हैं प्रिंटेड मटेरियल मिलेंगे क्या? मिल जाएगा प्रिंटेड मटेरियल, तुम सबको आ जाएगा, परेशान मत हो. मैंने बोला है ना, मिल जाएगा. एक्चुअली प्रिंटेड मटेरियल को लेके थोड़े से डिस्प्यूट्स हो रहे हैं. डिस्प्यूट्स ये हो रहे हैं, मेरा ओपिनियन था कि अवंती के दे दो, बट अवंती के मॉड्यूल्स क्या थोड़े पुराने हैं, लाइक 2016-2017 के पहले के क्वेश्चन है, उसमें लेटेस्ट क्वेश्चन नहीं है. तो फिर हम लोग अभी ऐसा कर रहे हैं कि कहीं और से कुछ और मटेरियल प्रोवाइड करने का ट्राई करते हैं, मतलब परचेज बुक किसी और पब्लिशर्स की, अरियन वगैरह की, वो ट्राई करते हैं. सर मोनोक्रोमैटिक लाइट कौन सी होती है? मोनोक्रोमैटिक लाइट वो होती है जिसकी एक फ्रीक्वेंसी, मतलब सोर्स कांस्टेंट है. सर पोल विजिबल नहीं है. अरे पोल विजिबल होगा ना यार, ऐसा मत बोलो. अच्छा मैंने लॉन्च ही नहीं किया था, आई हैव लॉन्च इट अगेन. चलो बी क्विक. सर जो मॉड्यूल प्रिंटेड हो गए उसका क्या करेंगे फिर? मॉड्यूल प्रिंटेड नहीं हुए एक्चुअली, प्रिंटेड हमारे पास ऑलरेडी है, बिकॉज एएलसी सेंटर्स और जेएनवीज में वो चलते रहते हैं ना. अच्छा सर हो गया. सर ये और क्यों लिखा है कि जैसे 4 सेंटीमीटर ग्लास और 4.5 सेंटीमीटर वाटर. द ऑप्टिकल पाथ ऑफ द मोनोक्रोमेटिक लाइट इज सेम इफ इट इज गोज थ्रू. हां या तो उससे जाए या उससे जाए, दोनों में. अच्छा देखो ऑप्टिकल पाथ में तुमको बता दूं, जिसको नहीं पता है क्या है ऑप्टिकल पाथ, पहले तो इसको फिजिकली मैथमेटिकली समझ लो, फिर मैं इसको तुम्हें फिजिकली बता दूंगा. सो ऑप्टिकल पाथ पहले तो कैसे डिफाइन है. ऑप्टिकल पाथ डिफाइन है उस फॉर एनी मीडियम, किसी भी मीडियम के लिए डिफाइन है ना, फॉर अ मीडियम, किसी भी मीडियम के लिए अपन डिफाइन करते हैं. और ऑप्टिकल पाथ लिखते कैसे हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टाइम्स उसकी थिकनेस. क्या लिखते हैं, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स टाइम्स उसकी थिकनेस मीडियम की. ठीक है, ये तो सिंपल रटने वाला फॉर्मुला हो गया. अब मैं तुमको लॉजिकली बताऊं तो ये लॉजिकली हमें क्या बताता है, ट्राई टू अंडरस्टैंड. ये लॉजिकली हमें ये बता रहा होता है कि समझने के लिए ऐसा होना कि सेम टाइम में डिस्टेंस ट्रेवल होना, सेम टाइम, टाइम सेम रहना, चीजों का क्या सेम रहना, टाइम. मतलब समझने के लिए इसको ऐसे याद रखना, ऑप्टिकल पाथ को रेफरेंस से याद रखना कि वी आर टॉकिंग अबाउट द रेफरेंस ऑफ टाइम. और टाइम तुम्हें पता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी थिकनेस आएगी न्यूमरेटर पे और स्पीड क्या आएगी डिनोमिनेटर में. ऐसे याद रखना ऑप्टिकल पाथ को. ठीक है,
और जब स्पीड डिनोमिनेटर में आएगी देन यू वेरी वेल नो कि स्पीड और म्यू के बीच में कैसा रिलेशन रहता है, इनवर्स रिलेशन रहता है या नहीं। तो अपन ऑप्टिकल पाथ में म्यू आर टी का मल्टीप्लाई करा देते हैं। ऑल्दो इसका इससे ज्यादा कोई फिजिकल मीनिंग है नहीं, इफ यू विल फाइंड इट ऑन इंटरनेट देन ऑल्सो आई फील कि नहीं है कुछ इससे ज्यादा। लॉजिकली डिफाइन है म्यू आर टाइम्स द थिकनेस ऑफ द मीडियम। ठीक है, आई होप सबने कर लिया होगा। कितनों ने कर लिया? सभी ने कर लिया यार। ठीक है, कुछ नहीं करना है। क्या करना है? ऑप्टिकल पाथ सेम बोल रहा है तो मतलब सिंपल साधा सा तुम्हें क्या लिखना है, 4 सेंटीमीटर थिकनेस सेम है, थिकनेस तो अलग है, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रिलेशन इक्वेट कर सकते हैं। नहीं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के रेशियो को भी इक्वेट नहीं कर सकते। ऑप्टिकल पाथ मतलब ऑप्टिकल पाथ को इक्वेट कर सकते हैं, यानी म्यू आर टाइम्स थिकनेस को इक्वेट कर सकते हैं। तो 4 सेंटीमीटर इंटू म्यू आर, ये किसका है? ग्लास, ग्लास का कितना दिया है 1.53 इक्वल्स टू किसका होगा, थिकनेस की दी है 4.5 और वाटर का तुमसे पूछ रहा है ना म्यू डब्ल्यू, अब आ जाएगा 4/4.5 × 1.53 म्यू डब्ल्यू कितना आया, मेरा कैलकुलेटर कहाँ है। कर लो जितनी मैथ्स अभी करनी हो रही, पता है कॉलेज में जाके तो तुम्हारी आदत खराब होने वाली है, फिर तुम 2+2 भी पता है कैलकुलेटर से करोगे। ठीक है, 1.36 बी इज द करेक्ट ऑप्शन है ना, सबका आ गया था। शैल वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इजी है ना। नीचे क्या लिखा है, किसके भी नीचे बच्चा, टी स्मॉल टी, एक मिनट कहां पे बोल रहे हो सर, आंसर बी इसका। हां बी है 1.36। क्या बेटा मेरे को समझ नहीं आया, कौन पूछ रहा था, पार्डन सर, टाइम इज इक्वल टू टी अपॉन क्या लिखा है, टाइम इक्वल्स टू लिखा मैंने डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये बताया मैंने तुम्हें ऑप्टिकल पाथ का फिजिकल मीनिंग। तो डिस्टेंस ये थिकनेस है, ये है थिकनेस ना, अपॉन स्पीड क्या है, लाइट की उस मीडियम में स्पीड, और मैंने फिर ये बताया कि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, म्यू आर के। तो अपन म्यू आर इंटू टी एक साथ लिखते हैं, जस्ट टू गिव यू द लिटिल ग्लिम्स। इसको देखो, हाँ बढ़िया क्वेश्चन, अब बस ये अपेरेंट डेप्थ वाले क्वेश्चन, इससे ज्यादा कुछ और है ही नहीं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में। लास्ट टाइप का क्वेश्चन भी कर लो, खत्म मेरा काम यहाँ से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में अपन नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे लेंस वाले क्वेश्चंस, खत्म। और लेंस वाले में मैं तुमको एक मदर इक्वेशन दूंगा, आई जस्ट गिव यू वन मदर इक्वेशन, यू कैन सॉल्व एनीथिंग यू वांट टू, बट वो उनके लिए होगी जिनको फॉर्मुले याद रखने हैं, जिनको कॉन्सेप्ट पता है वो मत याद रखना उसको। Come on guys, be quick. A printed page is pressed by a glass of water. The refractive index of glass and the water is 1.5 and 1.33 respectively. If the thickness of the bottom of the glass is 1 centimeter, the depth of the water is 5 centimeter, how much the page will appear to be shifted if viewed from the top? देखो इस टाइप के क्वेश्चंस में ना कभी भी कंबाइंड उसमें मत करना, हमेशा इसको ऐसे लगाना कि पहले ग्लास ने कुछ शिफ्ट दिया, फिर जो शिफ्ट मिला हमें उसके बाद देन वॉटर ने शिफ्ट दिया, ठीक है। और इसका फॉर्मूला याद है तुम लोग को या फिर कैसे करते हो, मतलब फॉर्मूले से करना प्रेफर करते हो फिर समझ के क्या करते हो? अच्छा कर लो, बाद में बताना, मैं बताऊं? हाँ समझ के ही करना, क्योंकि फॉर्मूले से कई बार गड़बड़ हो जाएगा ना सर। क्या हो जाएगा? दोनों का शिफ्ट प्लस कर दो। हाँ दोनों का शिफ्ट निकाल के ऐड कर दे। सर शिफ्ट पे थोड़ा सा हिंट दे दो, मैं बता ही रहा हूँ, बता रहा हूँ मैं ये कॉन्सेप्ट ही बता रहा हूँ तुमको, ट्राई करो ट्राई करो ट्राई करो, लास्ट 20 सेकंड फिर मैं बता ही रहा हूँ। चलो इधर देखेंगे, अब आई एम एंडिंग द पोल गाइस, मैंने बोला नहीं था इसका आंसर लिखने को, तुमने इसका आंसर लिखा क्या चैट में?
चलो देखो पहले जल्दी से कॉन्सेप्ट समझ लेना है ना, फिर आगे देखना। बहुत सारा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, एज सच कुछ टफ नहीं है। एंड आई रियली वॉन्ट यू ऑल, अगर तुम्हारे पास टाइम हो ना तो इसको घर में जरूर ट्राई करना। तुमने घर में ट्राई किया है कभी ये चीज? किया नहीं किया है? नो सर। आज घर में ट्राई करना है। ग्लास लेना, ग्लास ऑफ वाटर, टेक अ ग्लास ऑफ वाटर, उस ग्लास ऑफ वाटर के नीचे कॉइन रख देना। कहाँ पे रख देना कॉइन? नीचे, ऊपर मत, अंदर मत डालना, नीचे रखना, बिकॉज नीचे रखने पे वो सच में पूरा इनविजिबल हो जाता है। फिर इसमें धीरे धीरे क्या भरना? वाटर, फिल सम वाटर इन इट। जैसे जैसे तुम पानी भरोगे तुम ऑब्जर्व करोगे तुम्हारा कॉइन जो होगा क्या हो जाएगा, धीरे धीरे इनविजिबल हो जाएगा। ठीक है, अब जल्दी से एक कॉन्सेप्ट समझ लो, मैं बता देता हूँ। पेरेंट डेप्थ का मैंने सोचा था बता दूंगा, इसका दो मिनट ही लगता है। तो देखो क्यों होता है, सबको पता है, यू वेरी वेल नो कि इससे जो भी लाइट रे निकलेगी, पहले तो एक नॉर्मल बना लो। कभी भी एग्जाम में भी क्वेश्चन आए ना तो तुम्हें फॉर्मुला नहीं आता, यू कैन डू इट लाइक दिस। तुमने एक नॉर्मल बनाया, उस नॉर्मल से तुम लाइट रे निकालो। क्या निकालो? लाइट रे। तो एक लाइट रे ऐसे जाएगी, इस लाइट रे को अवे फ्रॉम द नॉर्मल कर दो। क्या कर दो? अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अब ये इसकी टेम्पररी अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये ले लो इसकी टेम्पररी नॉर्मल। जस्ट एक मिनट गाइस है ना, मैं ये बता दूं सबको, फिर आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये हो गई इसकी टेम्पररी नॉर्मल। फिर उसके बाद क्या करो, ये ऑब्जर्वर को कहां से आती हुई दिखेगी? इस पॉइंट से। तो ऑब्जर्वर के लिए ऑब्जेक्ट कहां पे हो जाएगा? यहां पे। बट एक्चुअली में कहां पे रहता है? यहां पे। अब देखो कैसे करते हैं इसको, बहुत सिंपल तरीका है करने का। तुम्हें पता है ये होगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस। बाय ज्योमेट्री तुम्हें पता होगा कि ये एंगल भी कितना होने वाला है। बोलो कितना होगा? हैं? आई के बराबर होगा, आई के बराबर होगा, आर के बराबर होगा। देखो इधर, ये दो पैरेलल, ये दो करेस्पोंडिंग, देख मानसवी उल्टी साइड है ना। ओ अर्पणा देख बच्चा, उल्टी साइड है ना, दिस इज द नॉर्मल। तो इसके इधर वाला और इसके इधर वाला दो पैरेलल के इधर करेस्पोंडिंग एंगल, तो ये भी आर और ये भी आर। अच्छा तुम्हें कैलकुलेट क्या करना है, व्हाट इज योर अल्टीमेट एम टू कैलकुलेट हियर? तुम्हें ये चीज निकालनी है। ये थी मान लो पहली डेप्थ, जैसे यहां से हो रहा है रिफ्रैक्शन, तो ये पहली डेप्थ थी मान लो एच था। फिर ये बाद में कितनी हो गई है कम होके, एच डैश कितनी हो गई? एच डैश एक्चुअल अपेरेंट एच डैश। नाउ Now what we should do, देखो ध्यान से जल्दी से, कुछ नहीं करते, सिंपल है। ये मान लो एक ट्राइंगल है, तो यहाँ पे दो ट्राइंगल दिख जाएंगे तुम्हें, एक ये ट्राइंगल और एक ये ट्राइंगल। बोलो दिख रहा है सबको? Yes, sir. Yes. दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? Everyone can see, I hope. सिंपल मैथमेटिक्स लगानी है। तो चलो, तो तुम इधर पहले तो बोल सकते हो कि साइन आई, स्नेल्स लॉ लगा लेते हैं एक बार। तो साइन आई स्नेल्स लॉ क्या बोलता है तुमसे? म्यू वन, ये मान लो वाटर का है म्यू वन, और ये मान लो एयर का है म्यू टू। तो म्यू वन साइन आई इक्वल टू म्यू टू साइन आर, है ना? ये लॉजिक लगा लो। उसके बाद तुम्हें पता है साइन आई क्या है, व्हाट यू कैन राइट इन प्लेस ऑफ साइन आई? साइन आई की प्लेस पे अपन क्या लिख सकते हैं इस ट्राइंगल को देख के बताओ? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यू कैन राइट परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो साइन आई की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ? Perpendicular upon hypotenuse, mu1. अच्छा ये hypotenuse ही actually में तुम देखोगे तो क्या है तुम्हारी? अगर छोटा एंगल है तो मैं बोल सकता हूँ ये hypotenuse ही किसके बराबर है, मतलब hypotenuse is almost equal to h. Sin i को अपन i लिख सकते हैं ना? Yes. With that concept, तो इसको अपन मान लेते हैं almost is nothing but h. और फिर mu2 sin r को क्या लिखोगे तुम? What you can write for sin r? Perpendicular same रहेगा, but इधर पे क्या हो जाएगा? H minus H-dash. H-dash, P से P हटा दो। अब जो फॉर्मूला आने वाला है वो तुमने कहीं कहीं देखा होगा। अच्छा यूजुअली हम बात करते हैं एयर की, तो मैं म्यू टू को भी कितना ले लेता हूँ? वन, है ना? लेट्स टेक म्यू टू वन। सो म्यू वन बाय एच इक्वल्स टू वन अपॉन एच माइनस एच डैश। थोड़ा सा इसको इधर उधर करो, एच एच माइनस एच डैश म्यू वन। अब जो फॉर्मूला आएगा, आई होप तुमने कहीं ना कहीं तो देखा होगा फॉर्मूला, एच म्यू माइनस एच डैश म्यू इक्वल्स टू एच।
और अपने को निकालना क्या है, जैसे सपोज करो यू हैव टू कैलकुलेट एच डैश, तुम्हें क्या निकालना है एच डैश, तो तुम इधर लिखोगे एच म्यू माइनस एच, एच डैश कितनी आ जाएगी, एच कॉमन ले लो, म्यू माइनस वन, है ना, दिस इज द फॉर्मूला। ये याद रखते हैं बच्चे यूजुअली, कौन सा याद रखते हो, ऐसे ही कुछ याद रखते हो? डेल्टा एच का भी याद रख सकते हैं ना, यू कैन ऑल्सो लर्न द फॉर्मूला ऑफ डेल्टा एच, डेल्टा एच का भी याद रखते हैं बच्चे। सो इट डजेंट मैटर तुम कैसे भी करो, जस्ट गो विद द कॉन्सेप्ट एंड इसको सॉल्व करोगे तो तुम क्या करना, दो बार अपेरेंट हाइट निकालना, एक बार निकालना किसकी वजह से, 1.5 और एयर की वजह से, एक बार कैलकुलेट करना 1.5 की वजह से और एयर की वजह से, फिर कैलकुलेट करना 1.3 और एयर की वजह से, दोनों का जो आए दोनों का क्या कर देना, ऐड कर देना, टोटल शिफ्ट आ जाएगा। ट्राई करोगे इसको एक बार? यस सर। देन यू विल अंडरस्टैंड। ओके, ट्राई करना, इसको भी ट्राई करना, होमवर्क दे रहा हूं ये मैं, ये ट्राई करना, ये भी अपेरेंट डेप्थ वाला क्वेश्चन ही है, ठीक है। आंसर क्या है, ये ट्राई करना 11th वाले का, 11th वाले का आंसर क्या आया तुम लोग का, वन पॉइंट कितना आया तुम लोग का, मैंने कैलकुलेट करना पड़ेगा, मेरे को ऐसे याद नहीं आंसर, वन पॉइंट सर मेरा इनमें से तो कोई नहीं आया सर, शिफ्ट का फॉर्मूला ये नहीं होता कि थिकनेस और वन प्लस माइनस वन बाई मतलब म्यू, वही चीज लिखी है तू, डेल्टा एच का याद करा है तूने, जो तू शिफ्टनेस का बोल रहा है ना वो तूने ईस का याद किया होगा, शिफ्ट का, इसी को तुम लोग सॉल्व करके लिखोगे ना यू विल गेट द सेम थिंग, दैट इज नॉट द न्यू थिंग, मतलब तुम जो बोल रहे हो वो फॉर्मूला कुछ ऐसा दिखता है, डेल्टा एच इक्वल्स टू वन माइनस वन बाय म्यू एच, ऐसा ना? हाँ हाँ, तो सेम थिंग यू विल गेट इफ यू ट्राई टू सॉल्व इट आउट, ठीक है। इसका आंसर कितना आ रहा है यार, वन पॉइंट सॉल्व भी कर लेंगे हम, मैच नहीं कर रहा है, तुम लोग का क्या है, 1.3 के अप्रोक्स आया है? नहीं सर, यही आंसर मैंने तो यही लगाया है। हाँ मतलब इसके अप्रोक्स ही आएगा यार, क्या मार्क किया है सबने, लेट्स सी, मैंने तो सी लगाया है, बाकियों का कितना है सर? मेरा 1.5 के करीब आया है। हाँ 1.5 के अप्रोक्स ही आएगा आई थिंक, देख लेना 1.5 के अप्रोक्स ही आएगा, ठीक है, थोड़ा इसमें कुछ गड़बड़ हो गया होगा बट 1.5 के अप्रोक्स ही आना चाहिए आंसर तो। यस सर, वही आ रहा है 1.55, हां 1.5 के अप्रोक्स ही आएगा, ठीक है, जिसका 1.5 के अप्रोक्स आ रहा है दैट इज करेक्ट, ठीक है। जाओ होमवर्क दे रहा हूं मैं, देखो एक बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, ठीक है, फिश और ये वाला भेजना सॉल्व करके, भेजते तुम लोग हो नहीं, मैं देता रहता हूं, ये देखो थ्योरी वाले क्वेश्चन है ना, इनको लगाना, ये थ्योरी वाला लगाना, ये भेजोगे तो ही मैं आंसर बताऊंगा, मैं अभी इधर आंसर नहीं बता रहा, ज्यादा नहीं 3-4 तो क्वेश्चन देता हूँ, लो 3 क्वेश्चन है बस, ओके 3 क्वेश्चन कर लेना, देन योर ऑप्टिक्स पार्ट इज कम्प्लीट, एटलीस्ट रिफ्रैक्शन तक का पार्ट कम्प्लीट है, मेन अपना बचा है रिफ्रैक्शन टू स्फेरिकल सर्फेसेस,